Hello children, how are you? Today I am back again with the explanation of English Junction course book standard 8 chapter number 4 The Leopard. So today I am going to explain you the textual exercise of this chapter, the meanings and the question answers. So first let's begin with the meanings. So the first meaning is ravine. What do you mean by ravine? It means अ वेरी डीप नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स. बहुत ही गहरी खाई होती है, वहाँ पर पानी स्ट्रीम एक जाती है वैली और वहाँ से पानी निकलता है. एंड इट इज़ द साइड्स आर वेरी स्टीप. द सेकेंड वन इज़ एमर्ज फ्रॉम कवर. इट मीन्स टू कम आउट ऑफ अ हिडन प्लेस, मतलब अपने छुपने की जगह से बाहर आ जाना. द थर्ड वन इज़ सेंचुरीज. इट मीन्स एरियाज वेयर वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड, जो जगह जहाँ पे वाइल्ड बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्शन दिया जाता है. देन द फोर्थ वन इज ग्रंटिंग. इट मीन्स मेकिंग शॉर्ट लाउड लो साउंड्स इन द थ्रोट, मतलब गले से शॉर्ट और लो आवाज़ें निकालना. देन द फिफ्थ वन इज स्नीवी. इट मीन्स हैविंग अ थिन बॉडी एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स, जिसकी बॉडी एकदम थिन हो एंड मसल्स एकदम स्ट्रॉन्ग हो. देन द सिक्स्थ वन इज पॉइज्ड. इट मीन्स परफेक्टली स्टिल बट रेडी टू मूव एट एनी मोमेंट, एकदम ही शांत खड़े रहना बट किसी भी समय यहाँ वहाँ से हिलने की मूमेंट में रेडी रहना. देन द सेवेंथ वन इज थिकेट्स. इट मीन्स ग्रुप्स ऑफ बुशेस और स्मॉल ट्रीज ग्रोइंग क्लोजली टुगेदर, बहुत सारे बुशेज और छोटे छोटे ट्रीज होते हैं जो एक साथ उगते हैं, उसे थिकेट्स कहा जाता है. देन द एट्थ वन इज क्विकनिंग. इट मीन्स बिकमिंग फास्टर, बहुत ही जल्दी, एंड मोर अर्जेंट, बहुत ही जल्दी वहाँ से फास्टली चले जाना. देन द नाइन्थ वन इज गेव मी टू अंडरस्टैंड. इट मीन्स सेड समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे, कुछ भी बोलना एकदम इनडायरेक्टली. Then the tenth one is carcass. What is it? Carcass. It means the dead body of an animal, especially a large one. किसी भी animal की dead body, but वो एकदम ही especially बड़े animal की. And then the 11th one is dashed. It means moved very quickly. बहुत ही वहाँ से जल्दी से चले जाना. Then the 12th one is bleak. It means empty and without any pleasant features, खालीपन जो हो वहाँ पर कुछ ना होना. The 13th one is desolation. It means a state of complete emptiness. Desolation means what? पूरा complete खालीपन होना, कुछ ना होना वहाँ पर. Then the 14th one is feline. It means connected with the cat family, cat family से connected. Then the 15th one is lair. It means a place where a wild animal sleeps or hides. एक जगह जहाँ पे wild animal सोता है या खुद को hide कर लेता है, छिपाता है. Then the 16th one is bestowing. It means respectfully giving something to someone. Respect से किसी को कुछ चीज़ देना. Then the 17th one is casting out. It means getting rid of something, किसी चीज़ से दूर हो जाना. एंड द लास्ट वन इज वायोलेटेड. इट मीन्स डिस्ट्रॉयड समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल चीज़ का नाश हो जाना, डिस्ट्रॉय होना. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स. सो आर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड द रेवाइन बिकम अ नेचुरल सेंचुरी. वो रेवाइन जो थी वो डीप वैली, वो कैसे एनिमल्स की नेचुरल सेंचुरी बन गई थी. सो द आंसर इज द रेवाइन वॉज सो डीप दैट इट रिमेंड इन शेडो फॉर मोस्ट ऑफ द डे. मतलब वो रेवाइन थी वो इतनी गहरी थी कि वहाँ तक सन की रेज नहीं पहुँचती थी और हमेशा वहाँ पे छांव होती थी. दिस एनकरेज्ड मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स टू गो देयर ड्यूरिंग द डे टाइम. और इस वजह से वहाँ छाँव थी, उस वजह से बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स वहाँ पे डे टाइम पे भी जाते थे. एंड एज अ रिजल्ट द रेवाइन हैड बिकम वन ऑफ द फ्यू नेचुरल सेंचुरीज लेफ्ट नियर मसूरी. और इस वजह से वो रेवाइन एनिमल्स की नेचुरल सेंचुरी बन गई थी जो मसूरी के बाजू में थी. देन आवर सेकेंड क्वेश्चन इज विच एनिमल्स एंड बर्ड्स
हैड द नरेटर सीन देयर, वहाँ पे नरेटर ने कौन से एनिमल्स और बर्ड्स देखे? द आंसर इज द नरेटर हैड सीन बार्किंग डियर, कलेज पीसेंट्स, पाइन मार्टेंस, अ रेड फॉक्स, अ स्पॉटेड फॉक टेल एंड लंगूर्स देयर. ये सारे एनिमल्स उन्होंने वहाँ देखे. और उन्होंने और एक चीज़ देखी, ही हैड ऑल्सो सीन द लेपर्ड, भी वहाँ पे उन्होंने देखा था. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज वॉट कन्विंस्ड द नरेटर दैट द एनिमल्स रिकॉग्नाइज्ड हिज फुटस्टेप्स. नरेटर को क्यों ऐसा लग रहा था कि एनिमल्स उसके फुटस्टेप्स पहचानने लगे हैं? सो द आंसर इज द नरेटर वॉज श्योर दैट सम ऑफ द एनिमल्स रिकॉग्नाइज्ड हिज फुटस्टेप्स बिकॉज अ स्पॉटेड फॉकटेल स्टॉप्ड फ्लाइंग अवे व्हेन ही अप्रोच. उन्हें ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि जब भी वो पहले वहाँ से गुजरते थे तब वो स्पॉटेड फॉकटेल्स उनको जो देख के वहाँ से भाग जाते थे, बट नाउ दे डिंट फ्लाई अवे जब ये वहाँ नरेटर वहाँ से गुजरते थे. एंड द सेकेंड थिंग वॉज द लंगूर्स हु वुड ऑल्सो गो लीपिंग थ्रू द ब्रांचेज अर्लियर जस्ट वॉच्ड हिम विद सम क्यूरियोसिटी एज दे मंच्ड ऑन द टेंडर ग्रीन शूट्स ऑफ द ओक. और जो लंगूर्स थे वो भी पहले एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच भागने लगते थे, बट नाउ वो अब वहाँ पे बैठ के वो खाते खाते वो नरेटर को देखते थे क्यूरियोसिटी से. देन द फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट ऑड बिहेवियर डिड द नरेटर नोटिस वन इवनिंग एंड वॉट वॉज द कॉज. एक क्या अजीब सा बिहेवियर उन्होंने नोटिस किया एक इवनिंग एंड उसकी वजह क्या थी? सो द आंसर इज वन इवनिंग एज द नरेटर पास्ड थ्रू द फॉरेस्ट. एक इवनिंग जब वो फॉरेस्ट से गुजर रहे थे ही हर्ड द लंगूर्स चैटरिंग इन द ट्रीज. उन्होंने लंगूर्स की आवाज़ सुनी ट्रीज में चैटरिंग करके जोर जोर से. एंड ही न्यू ही वॉज नॉट द कॉज फॉर देयर एक्साइटमेंट. और उन्हें ये पता था कि उनके वजह से वो नहीं ऐसे चैटर कर रहे थे. एक्चुअली क्या था, एज ही क्रॉस्ड द स्ट्रीम एंड बिगैन क्लाइंबिंग द हिल द ग्रंटिंग एंड चैटरिंग इंक्रीज एज दो द लंगूर्स वेर ट्राइंग टू वॉर्न हिम ऑफ सम हिडन डेंजर. उन्हें ऐसे जैसे ही उन्होंने स्ट्रीम क्रॉस की और हिल चढ़ने लगे दैट टाइम उनकी आवाज़ और बढ़ गई. ऐसा लग रहा था जैसे वो लंगूर उन्हें कुछ वॉर्न कर रहे हैं, कुछ हिडन डेंजर, कुछ डेंजर का वो इशारा दे रहे हैं. एंड द कॉज ऑफ दिस चैटरिंग वॉज एन ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड. और उनके चैटरिंग की क्या वजह थी, एक ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड वहाँ पे था. देन लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन. इट इज डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट एनकाउंटर विद द लेपर्ड. लेपर्ड के साथ उनका जो फर्स्ट एनकाउंटर था उसके बारे में यू हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन. सो द आंसर इज एज द नरेटर क्रॉस्ड द स्ट्रीम एंड बिगैन क्लाइंबिंग द हिल. जैसे ही उन्होंने स्ट्रीम क्रॉस की और हिल चढ़ने लगे क्या हुआ वहाँ पे, अ शावर ऑफ पेबल्स केम रैटलिंग डाउन द स्टीप हिल साइड. ऊपर से वो हिल से जोर से आवाज़ आई और पेबल्स जो पत्थर थे उन गिरने लगे हिल साइड से. एंड जैसे ही लुक्ड अप टू सी अ स्नीवी ओल्ड ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड ऑन अ रॉक. और जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा वॉट वॉज देयर, अ स्नीवी ऑरेंज गोल्ड लेपर्ड वहाँ पे ऊपर खड़ा था अबाउट 20 feet अबाव हिम. उनसे कितनी दूरी पे था, 20 feet की दूरी पे. देन द लेपर्ड स्लोली टर्नड हिज हेड. लेपर्ड ने हेड हिला के उनकी तरफ देखा एंड लुक डाउन एट द नरेटर. ही सीम्ड अ लिटिल पजल्ड. वो जो लेपर्ड था थोड़ा पजल हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया एट द नरेटर्स प्रेजेंस देयर. उसने नरेटर को देखा, उसको देख के ही वॉज पजल्ड एंड वेन टू गिव हिम करेज. और खुद को हिमसेल्फ को करेज देने के लिए नरेटर ने क्या किया, द नरेटर क्लैप्ड हिज हैंड्स शार्पली. क्लैप किया हैंड्स को. द लेपर्ड स्प्रैंग अवे इन टू द थिकेट्स. और वो आवाज़ सुन के लेपर्ड वहाँ से भाग गया थिकेट्स में, झाड़ियों के बीच में, मेकिंग एब्सोल्यूटली नो साउंड आवाज़ किए बिना. एस ही मेल्टेड इन टू द शेडोज. और वहाँ पे शेडोज में वो चला गया. देन आर सिक्स क्वेश्चन इज वाई वेयर द हंटर्स लुकिंग फॉर द लेपर्ड. वो हंटर्स जो थे वो लेपर्ड के को क्यों सर्च कर रहे थे? तो द हंटर्स वेयर लुकिंग फॉर द लेपर्ड सो दैट दे कुड किल इट एंड सेल इट स्किन इन दिल्ली. वो उसे मारना चाहते थे लेपर्ड को और उसकी जो स्किन है वो दिल्ली में जाके बेचना चाहते थे. देन आर सेवेंथ क्वेश्चन इज
Why did the information disturb the narrator? और इस information को सुन के hunters से वो narrator क्यों इतने disturb हो गए? So the answer is the information disturbed the narrator as he knew that these hunters would not rest until they had hunted the leopard down. क्योंकि वो narrator जान चुके थे अब वो hunters जब तक वो leopard को मार नहीं डालेंगे तब तक वो शांति से rest नहीं करेंगे. Then our eighth question is, what change came over the forest after the hunters appeared? अब पहले जैसा forest था उसमें क्या changes आ गए जब hunters वहाँ पे आए उसके बाद. After the hunters appeared, there were fewer birds to be seen in the forest and even the langurs had moved on. अब hunters के आने के बाद birds वहाँ पे दिखने कम हो गए forest में and जो langurs थे वो भी वहाँ से चले गए थे. The red fox did not show itself. फिर जो red fox था वो कभी नहीं दिखता था. And the pine martens dashed into hiding at the narrator's approach. और जब भी अब narrators भी आने narrator आने लगा था तब भी वो pine martens थे वो भी छुप जाते थे उसको देखते ही. And the animals had become cautious and mistrusted all humans. एकदम ही चौकन्ने हो गए थे और किसी humans को trust नहीं करते थे. Now our last question is, what did the narrator notice on Paritiba? What did he realize? अब ये जो Paritiba जगह पे वो गए थे narrator, उन्होंने क्या notice किया वहाँ और उन्हें क्या realize हुआ? So the answer is, the narrator noticed the silence that surrounded him on Paritiba. उन्हें वहाँ पे जो silence एकदम शांति दिख रही थी वो उन्होंने notice की. The absence of birds and animals, वहाँ पे birds and animals भी नहीं थे. And the sense of complete desolation, सब कुछ एकदम खाली था वो उन्होंने notice किया. Then there was something else that he noticed, और भी कुछ उन्होंने notice किया. क्या था वो? The strong feline odor, उसकी smell animal की, of one of the cat family से जो belong करता था उसकी smell उन्हें उसका एहसास हुआ. And then he realized that he must have found the lair of the leopard, और उन्हें ये लगा कि वो lair of the leopard का उन्होंने नोटिस किया, उन्हें वो रियलाइज हुआ उस चीज़ के बारे में. देन डियर चिल्ड्रन द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज MCQ, दैट इज़ यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 विच आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक. सो इन द नोटबुक यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन एंड द करेक्ट ऑप्शन. सो द फर्स्ट वन इज, द लंगूर्स वेर चैटरिंग लाउडली बिकॉज. वाई वेर द लंगूर्स चैटरिंग लाउडली? द आंसर इज they wanted to warn the narrator, क्योंकि उन्हें narrator को वो warn कर रहे थे. That's why they were chattering loudly. Then the second one is, the leopard had abandoned the remains of the deer because, मतलब leopard ने वो deer के remains क्यों वहाँ पे छोड़ दिए थे, जो जिसने उसने जिसको मारा था deer को तो उसका आधा body खा के क्यों आधा वहीं पे छोड़ दिया था. The answer is he had been disturbed while eating, क्योंकि उसे लगा कि कोई आ रहा है उसकी तरफ तो उसने वहीं पे छोड़ दिया. eating खा रहा था तब उसको किसी ने disturb किया इस वजह से. Then the third one is, the animals started hiding from the narrator because, अब क्यों animals narrator से छिपने लगे थे? So the answer is they were afraid of the hunters, क्योंकि वो hunters से डरने लगे थे इस वजह से. The fourth one is, on Paritiba the narrator, उन्होंने क्या देखा? So the answer is, sensed the presence of the leopard, उन्हें ऐसे लगा कि leopard यहाँ पे रहता होगा. So dear children, you have to write down this 3 exercise in your fair notebook with black pen you have to use for the questions and blue pen for the answers. I hope you would have understood the exercise. So go write down this in the FNB and complete your fair notebook and read and by heart the question answers and the meanings. Thank you dear children.